ओ प्रेम, ओ मेरे यार तू आ गया। ओ यारा, तैनू देख के बहुत खुशी हुई है यार। ओ बड़ा मजा आ गया यार। चल बैठ बैठ। ले प्रवा, सनी दे ब्याह दा न्योता। ओए मुबारका होन मुबारका। ओ यारा, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदलिया। सब कुछ ओवे दा ओवे ही है, कुछ भी नहीं बदलिया यारा। ओए बंदे बदलदा, रिश्ते बदल जाते ने। ओ बल्ले, ओ मैं तो फिल्मी राइटर बन गया। देख भाई, तू तो मेरी बचपन की आदत नु जानदा ही है। हाँ। तू भावे नुआलस कह ले जा फिर, पर तू तो बिल्कुल ही बदल गया। ओ संतोष। हाँ जी। ओ बम्बे दा तेरा देवर आया है। अच्छा। ओए दी कोई खातर शातर करना। हाँ जी हाँ जी आई। देख भाई, इन्ने सालां पिछों तू दर्शन दे रहा है। ओ मन्या मुंबई जाके तू बहुत वड्डा केमिकल इंजीनियर बन गया है, पर बचपन दे दोस्त ना मिलदा रहा कर, और टेलीफोन ते गलबात करके मजा नहीं आता। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल भाभी जी। और सब ठीक ठाक है ना? बड़ी खुशी हुई तुसी आए। और सनी दी ब्याह दियां तैयारियां ठीक चल रही ने ना? हाँ जी, रब दी सब मेर है, सब ठीक चल रहा है। और इत्थे सब ठीक है ना? हाँ जी पाजी, इत्थे सब ठीक ठाक है। आलो चाल। हाँ जी। तुसी भी लाओ जी। और दस यारा, कम काज किवें चल रहा है? बहुत वधिया चल रहा है। ओ तेरे मुंडे दे व्याह दियां तैनू लख लख वधाइयां होण। ओए ओ संदीप, इन्ना वड्डा हो गया पता ही नहीं चलिया है? और तू देख, तू मुंबई चला गया, जाके केमिकल इंजीनियर बन गया है। बहुत तरक्की कीती है तू। वीरे ने भी काफी तरक्की कीती है। हाँ यार, असी यही गली दे विच खेड़िया करदे सी। साडे तिन्ना दे घर कोल कोल होंदे सी। ओ भी की दिन सी यार। पर हाँ, व्याह ते पूरे परिवार नाल आना है। हाँ सच, वीरे दा की हाल है? ओ कुछ दिन पहला मेरी ओदे नाल गल होई सी। ओ वीरा भी ठीक है। ओ तैनू पता है, ओ पिछले साल उन्हें ओ जड़ी पहाड़ी वाली कोठी सी ओ खरीद ली है। ओ बड़ी तरक्की कीती है, पर पता नहीं की एक्सपेरिमेंट करदा रहिंदा है। चलांगे ओदे कोल। अच्छा, नवा एक्सपेरिमेंट? मैं कुछ समझया नहीं यार। ओए ओनू किन्नी यार समझाया के जिद्दां साडे बजुर्ग कह गए सी, खेती ते फसल नू उस्से तरह करना है, वो समझदा ही नहीं हैगा। पता नहीं नवे नवे नुक्से अपनांदा रहिंदा है। ओए ओ भी मॉडर्न हो गया है तेरे वांग। ओ तेरा लंगोटिया यार जो ठहरिया। ओ लंगोटिया यार ते तू भी है साडा, फिर तू क्यों नहीं बनया मॉडर्न है? ओ दस। मैं भी ते करदा हां नवे नवे प्रयोग करन दा वादा वीरे दे नाल। ओ नवे एक्सपेरिमेंट करना ते बहुत वधिया हुंदा है। नाले एक्सपेरिमेंट करन नाल बंदा मॉडर्न नहीं प्रगतिशील हुंदा है। मैं भी अपने कम दे विच नवे नवे प्रयोग करन दी कोशिश करता रहंदा। मेरी केमिकल इंजीनियरिंग दी फील्ड दे विच की हो रहा है पूरा हिसाब रखना हुंदा है। अगर नहीं रखांगा तो जिंदगी विच अगे किवें वधांगा? हाँ यार, मैनू ते सारे पिंड वालियां नू वीरा ते इहो समझांदा रहिंदा है। ते चल फिर वीरे वल। चल, बहुत मजा आएगा यार। ओ यार वीरे दी कोठी वे किड्डी वड्डी कोठी, बड़ी वड्डी है वाकई। बल्ले बल्ले, मनना पौ यार, किन्ने सालां विच किन्नी तरक्की करती बंदे ने। कमाल हो गया, कमाल ही करती भाई। कमाल ही, सच्ची कमाल, कमाल ही करके रखती, बहुत वड्डी। कदी सोचा भी नहीं सी कि एडी वड्डी कोठी दा मालिक बन जाऊंगा वीरा। मैनूं भी एवें लगदा। ओए साहब, इहदे नवें नवें फार्मूलियां दी खेड आ, बिल्कुल जिहड़े नवें नवें प्रयोग करदा रहिंदा ना। ओए अच्छा, ओए आ गया आ गया वीरा आ गया। ओए आ जा ओए आ जा आ जा, तेरा इंतजार कर रहे सी। ओए बल्ले बल्ले, ओए आ जा मेरे यारा। ओ प्रेम, तू आ गया यार। हां हां जी अमन सिया, तू किवें है? ओ वधिया ना, थोड़ी दूर घर के ले आ, तेरे तो दर्शन ही नहीं होंदे यार। ओ मेरे नहीं होंदे? ओ तू घर होना कदों आ? ओ तू तां इदा चंद हो गया है। ओ की दसा यार, कम काज भी ते वध गया। ओ ता नजर ही आ रहा यार, तेरा कम काज ते तू भी। ओ किन्ना बदल गया यार। ओ एनु वेख, ओ बिल्कुल नहीं बदले। ओ ओ और सुना प्रेम, घर सब ठीक है? बस यार, सनी दी ब्याह दी तैयारियां हो गई ने? हाँ सब हो गया है। तो क्या हुण तां बस बैंड बाजा वजन दी दे। ओ सारी गल्लां इत्थे खड़े खड़े करांगे।
ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ 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 ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਛੋਟੂ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ। ਵੈਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਜਨਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਸੱਚੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਮਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਭਾਈ? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਫੁਰਸਤ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਛੱਡ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਯਾਰ, ਦਰਅਸਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੀਪਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ? ਓਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਕੜੀ ਕੜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀਰ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀਪਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਛਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆ ਭਾਈ। ਅਮਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਰਾਮੋ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਪਰਜਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਓਏ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਆਖਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘਬਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਲੱਸੀ ਪੀਓ। ਲਿਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਦੀਪਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਮਹਾਦਾਨ ਬੈਂਸਲਫ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਦਾਨ ਬੈਂਸਲਫ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਸਲਫਰ ਯੁਕਤ ਦਾਣੇਦਾਰ ਖਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸਲਫਰ ਤੇ 10% ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣ
अमीनो एसिड के निर्माण विच मदद करता है ते नाइट्रोजन खाद दी खर्च समर्था नू होर वधांदा है ते तेल वाली फसल विच तेल ते दाला वाली फसला विच प्रोटीन दी मात्रा नू होर वधांदा है ते गन्या दे फसला दे विच ना सिर्फ रस दी क्वालिटी बल्कि शक्कर दे रस दी मात्रा नू होर वधा के पैदावार भी वधिया पैदा करता है। उसर यानी कलर वाली जमीन या वो जमीन जिसका पीएच 8 ते 8.5 तो वध होवे उसदे पीएच नू कटा के ते जमीन दे विच फॉस्फोरस लौ मैंगनीज जिंक ते बोरोन वर्गे पुष्पक तत्वां नू मिला के उसनू मोड़ उपजाऊ बनांदा है। यही नहीं ए फसला दी रोग ते कीट रोधक समर्थता नू होर वधांदा है ते जमीन दे अंदर पौधिया दी जड़ां नू भी लगण वाले रोगां नू कटाण विच बहुत प्रभावशाली है। ए साबित होंदा है कि महाधन बेंसल्फ दे वरतों दे नाल फसल विच 20-25% वाधा होंदा ही होंदा है। साल लो हले होर भी बहुत है। ओ यार ये सल्फर युक्त खाद है या जादू दी पुड़ी। पर यार जदों मैं ते मेरे वर्गे कई किसान भरा इनू वरतदे सीगे उस वेले ये सल्फर जिहड़ा सीगा ये उड़ जांदा सीगा ते हत्थां नू ते अखां नू नुकसान पहुंचाउंदा सीगा। हुण मैं ते मेरे वर्गे किसान भरा इनू वरतदे होए कतरांदे ने। मेरे भरा ओ इस लई तां कहिंदा महाधन बेंसल्फ एक बहुत वधिया उत्पादन है। मैं दसदा किवें ए नमी दे संपर्क विच आंदे ही 20 गुना फुल जांदा है ते इसदा विघटन होंदा है जिस दे नाल जमीन दे विच रहण वाले जीवाणु इस दे सल्फर नू सल्फेट विच बदलदे ने ते ओही सल्फेट पौधियां नू उहनां दे पूरे जीवन काल दे विच थोड़ा थोड़ा मिलदा रहिंदा है ते इस दे नाल खाद वखण वाले दे हत्था ते अखां नू कोई नुकसान भी नहीं पहुंचदा है। ओ यार ये ते बड़े कम दी चीज है किसान भरावां वास्ते जिन्हां नू होर सल्फर वाले खाद इस्तेमाल करन दी मुश्किल आंदी है। दीपक फर्टिलाइजर दा महाधन बेंसल्फ एक हटके ता बेहतरीन उत्पादन है। वीरा तू सही कह रहे हैं। ओ भाई तू वर्तेगा नहीं ते पता किवें चलेगा। ओ यार ओ तू तो बंबई च बहुत वड्डा कैमिकल इंजीनियर है ओ तैनू ते समझ आ ही रही होनी है। हुण तू मंनदा है ते मैं भी मान लैना। ओ चंगी गल है। हुण तू ए दस इनू इस्तेमाल करन दे तरीके की ने। ओ भी ता दस। महाधन बेंसल्फ नू जुताई तो पहला जमीन च मिलाया जांदा है ते फिर उसकी रुपाई की जांदी है या फिर किसी होर खाद दे नाल मिला के जुताई ते रुपाई कर सकते हैं। पर एक गल दा ध्यान रहे कि महाधन बेंसल्फ नू जमीन च मिलाण ते बाद उस दे उपर मिट्टी जरूर पा दियो ताकि उस दे काज करन दी शक्ति होर वध सके। पर यार ओ ए वी दा दस के अलग अलग फसलां विच किन्नी मात्रा पानी चाहिदी है। कपाह कणक आलू टमाटर ते सब्जियां दे लई प्रति एकड़ 10-15 किलो इस दे सही वर्तों दे नाल कपाह दे फुल च वाधा हुंदा है। सरों दे फली च तेल दी मात्रा वधी हुंदी है जिस दे नाल वजन वाधा है ते कपाह दी क्वालिटी होर वधिया हुंदी है। इस दे वर्तों दे नाल कणक दे चोणे दी फसल दे विच चवारे ज्यादा लगदे हां जिस दे नाल इस दी क्वालिटी ते उपज दे विच होर वाधा हुंदा है। इस दे वर्तों दे नाल आलू ते होर सब्जियां च आकार गिनती या क्वालिटी तिन्नां च वाधा हुंदा है। तेल वाली फसलां ते दालां वाली फसलां च प्रति एकड़ 20-25 किलो लसुन ते प्याज दे प्रति एकड़ 25-30 किलो ते कमाद केला अंगूर संतरा ते अनार ते लई प्रति एकड़ 30-35 किलो। हाँ तेरी तब पूरी पढ़ाई हो गई नवी टेक्निक दे बारे च। हुण दस तू बदलेगा या पुराने नुस्खे ही आजमांदा रहेगा। ओ यार ओ तरक्की कौन नहीं चाहुंदा। ओ वीरे ओ जे मैं तेरी गल मान लैंदा ना ते शायद अज। ओ यार छड परां जदो जागो उदो सवेरा। हाँ 100% दी गल कीती है। भाई अमन सिंह अगली बार जदो मैं आवांगा ता तेरे विच बदलाव वेखण नू मिलेगा कि नहीं। ओए बिल्कुल यारा। अब तू घबरा ना प्रेम। हुण ता मैं एदे मगर पै पै के सारे कम करवावांगा। ओ भाई मैनू ता बड़ी खुशी हुई है इत्थे आके मेरा भी ज्ञान वध गया ते अमन दा भी। ओए हुण ता सारे नचण दी तैयारी करो। ओए हुण ते डबल ओ भाई डबल खुशी दा मौका है। ओ डबल हाँ? ओ किदा यार। ओ एक ता अपने सनी दे व्याह दी खुशी ते दूजा जिहड़ा महाधन बेंसल्फ बदलाव लिया रहा है उस दी खुशी। ओ दी खुशी।